हेलो एवरीवन, दोस्तों स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। बहुत बड़ी खबर है और बहुत बुरी खबर है। आप सभी दोस्तों अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल जिंदगी और मौत दांव पर लगी हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी स्थिति में यह चुनाव संभव है? आइए देखते हैं दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा है, प्रयागराज हाईकोर्ट की क्या दलील है और क्या दिशा निर्देश है। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह न्यूज़ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, यह आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाएगा। यूपी प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का दिया निर्देश। प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश। सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का निर्देश। कहा, जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा, सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेगी। दोस्तों इस लाइन का इम्पैक्ट समझिएगा कि अब आप सड़क पर बिना मास्क के कतई मत जाइएगा, अन्यथा आपके साथ क्या होगा मैं नहीं कह सकता। कोर्ट ने कहा, सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक न इकट्ठा हो। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया आदेश। कोर्ट ने कहा, नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं। ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ तक सीमित है। कोर्ट ने कहा कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते, फिर भी हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि जीवन रहेगा तो दोबारा स्वास्थ्य ले सकेंगे, अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है, जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। कोरोना से अत्यधिक प्रभावित शहरों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण फैले 1 साल बीत रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका।
कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 19 अप्रैल को डीएम व सीएमओ प्रयागराज को कोर्ट में हाजिर रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कंटेनमेंट जोन को अपडेट करने तथा रैपिड फोर्स को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा हर 48 घंटे में जोन का सैनिटाइजेशन किया जाए। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षा दे रहे छात्रों की जांच करने पर बल दिया जाए। कोर्ट ने एसपीजीआई लखनऊ की तरह स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कोरोना आईसीयू बढ़ाने व सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार को एंटीवायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाने का दिया निर्देश। जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्ती करने का भी निर्देश। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया आदेश। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।